रूस के कब्जे वाले इलाके में माइंस का जाल बिछा हुआ है। रशियन फोर्स यूक्रेनी माइंस को डिफ्यूज करने में जुटी है। यहां एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। रूसी सैनिकों की धीमी रफ्तार यूक्रेनी जाल की वजह से है। वॉर जोन में बेहद सावधानी के साथ रूसी सैनिक आगे बढ़ते नजर आए। उनके पास माइंस डिटेक्टर है, दाहिने हाथ में एक छड़ी भी है। जंगली घास के बीच माइन डिटेक्टर्स को बेहद सावधानी से दाएं बाएं घुमाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती है। बॉडी आर्मर से लैस ये रूस की माइनिंग डिफ्यूजिंग टीम है, जिनका काम वॉर जोन में बिछे माइंस को ढूंढना और उसे डिफ्यूज करना है। आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिक को अचानक एक आवाज सुनाई पड़ती है, फिर बड़ी सावधानी से घास में छिपे माइंस को ढूंढा जाता है और आगे एक लाल झंडा लगाकर उस इलाके को मार्क किया जाता है, ताकि कोई रूसी सैनिक यहां से ना गुजरे। लाल झंडे पर लिखा एम जैसा निशान माइंस को दर्शा रहा है। इन सैनिकों के साथ रूस का कॉम्बैट व्हीकल भी नजर आ रहा है, जो दुश्मन पर नजर बनाए हुए है। रूसी फौज के सैनिक आखिरकार ऐसे माइंस को ढूंढकर बाहर निकालते हैं और फिर धमाके से इसे डिफ्यूज करते हैं।